बिलासपुर स्थानीय लाल बहादुर शास्त्री शाला मैदान में आयोजित रामकथा के तीसरे दिन विजय कौशल महाराज ने कहा कि भगवान खोजने से नहीं बल्कि पुकारने से हासिल होते हैं। ईश्वर की प्रतीक्षा करनी होती है। भगवान को किसी का अपकार याद नहीं होता, मनुष्य को भगवान के उपकार याद रखना चाहिए। विजय कौशल महाराज ने दोहराया कि भगवान के प्रकट होने पर अयोध्या में परमानंद का वातावरण हो गया। राम के जन्म लेते ही चंद्रमा व्याकुल हो गए थे, सूर्य नारायण का रथ ठहर गया, आनंद में अयोध्या में दिन और रात का पता नहीं चलता। चंद्रदेव की व्याकुलता का निवारण भगवान श्री राम ने द्वापर युग में रात्रि पहर में 12 बजे चंद्रवंश में आने का आश्वासन देकर किया। इसके बाद भगवान सूर्यवंशी होते हुए भी रामचंद्र कहलाए। उन्होंने कहा कि कलयुग में राम गुण गाने से सारे दुखों का अंत हो जाता है। जिसे भगवान का सहारा मिल जाए उसे और किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। यही कारण है कि वह जनकपुर के बाग में माता जानकी से मिलने गए। प्रभु राम माता जानकी की कोमल भावनाओं की भक्ति की पुष्प कलियां भी नहीं तोड़ पाए, लेकिन अहंकार के प्रतीक परशुराम के धनुष को उन्होंने सहज ही तोड़ दिया। सती मन जैसे कामी वचन, सती मन जैसे सब नप भय जोग उपहासी, सब नप भय जोग उपहासी, जैसे राग संग